नई रेसिपी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और यम्मी नारियल रोल की रेसिपी। ये इतना यम्मी है और इतना फटाफट बनेगा बिना किसी ज़्यादा झंझट के। फटाफट से आप 15 से 20 मिनट में इसको बना के रेडी कर लेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, वीएस किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए, आप कोई भी मोटे तले का बर्तन लें और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। और इसमें हमने ये नारियल का बुरादा लिया है, ये मैंने मार्केट में से मंगवा लिया था। आप चाहे तो घर पे भी गोला पीस के उसका ऊपर वाला पार्ट उतार दें, उसका छिलका, और फिर उसको मिक्सी में पीस लें, नहीं तो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसको मैं 1 चम्मच घी डाल के भून रही हूँ, आप चाहे तो ऐसा भी भून सकते हैं। तो हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है और लो फ्लेम पे ही भूनना है आपने इसको, जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये तो ये भुन गया, अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। तो मैंने सेम वही कढ़ाई ली है, उसमें मैं ले रही हूँ ये 250 ग्राम खोआ मावा, 250 ग्राम ही मैंने नारियल का बुरादा लिया था। तो इसको भी हम लो फ्लेम पे भून लेंगे मावे को। इससे क्या है कि हमारी जो मिठाई बनेगी इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप चाहे तो ये मिठाई दूध में भी रेडी कर सकते हैं, मैंने ये मार्केट से ही खोआ मंगवा लिया था। तो लीजिए, खोए को भी आप अच्छे से इस तरह भून लें, कच्चापन ना रहे उसमें। बस नीचे ये भी नीचे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी जो मिठाई का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो खोया भी हमारा भून गया है, इसी में हम ऐड कर देंगे जो हमने बुरादा भून लिया था नारियल का। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से खोए के साथ मिक्स हो जाना चाहिए कोकोनट पाउडर। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें शुगर पाउडर, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अगर आपको लगे कि ये ड्राई है तो आप इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करके मैंने इसमें 2 चम्मच घी ऐड करके इसको गैस की फ्लेम कम करके फिर दोबारा से हमने गैस पे रखना है, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है अच्छे से हो जाए। बस 1 से 1.5 मिनट चलाना है हमने ये चीनी डाल के इसमें, बस ऐसा ही रखना है। अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। जब ये अच्छे से बाइंड होने लग जाए, देखिए इस तरह से, तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे इस तरह से ठंडा कर लेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ें आप इसे कढ़ाई में। तो लीजिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारे हाथ में चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट हमारा ये डो रेडी हो गया है रोल बनाने के लिए। अगर ये आपकी उंगलियों पर चिपक रहा है तो आप इसको थोड़ी देर और चला लें। तो अब मैं ले रही हूँ एक प्लेट, उसमें हम ये सारा मिक्सर निकाल लेंगे और इस तरह से फैला के मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लूँगी पलट पलट के, क्योंकि हमने इसका रोल बनाना है। तो अभी ये गर्म है, तो यहाँ पे एक बटर पेपर लेंगे, उसको मैंने घी के साथ ग्रीस कर लिया है। हल्का सा घी लगा लें आप, और इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता, बादाम, आप काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर बर्फ भी लगा सकते हैं, या इसके बिना भी बना लेंगे तो भी बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुआ ये। तो अब हम इसके अंदर इसको इस तरह से रोल कर देंगे, इस तरह घुमा देंगे आप हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बिल्कुल हल्का हल्का घुमाना है क्योंकि अभी ये गर्म है। तो देखिए, अब हम इसको इसी पेपर में लपेट देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10-15 मिनट हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको ये काट के दिखाने थे। 10-15 मिनट में ही ऐसा सेट हो गया है। तभी हम पीस कट कर रहे हैं इसके। देखिए कितनी बढ़िया टेम्पटिंग हमारी ये मिठाई बनके रेडी हो गई है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख पाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके सारे पीस कट कर लेने हैं। आप चाहे तो इसे बर्फी की तरह भी जमा सकते हैं,
या पेड़े बना सकते हैं इसी मेथड से। तो लीजिए, आज की हमारी टेस्टी डिलीशियस मिठाई बिल्कुल बनके तैयार है, नारियल रोल। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस दिवाली ये मिठाई बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आने वाली है सबको और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके रेडी होगी। तो कल फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।